पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से स्कूटी, बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। को मद्देनजर देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए थे चेकिंग हेतु 27/2020 को न्यू आगरा की जो टीम है थाने की, वो आनंदी भैरव मंदिर के आसपास चेकिंग कर रही थी, तो उनके पास मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना उनको मिली कि कुछ लोग 6 से 7 बाइकें इकट्ठा कर उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चोरी की बाइकें हैं। तो पुलिस ने वहाँ पे घेराबंदी की, जब वहाँ पे दबिश दी तो वहाँ से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, और इसमें 5 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी इनको मिली है, उसमें 6 मोबाइल भी इसमें से बरामद हुए हैं। कहाँ से चोरी गए वाहनों को खपा रहे थे, कब से वारदातों को अंजाम दे रहा है? देखिए, आगरा के अंदर न्यू आगरा, हरी पर्वत और जो भी रिहायशी इलाके हैं जहाँ वहाँ से बाइकें चोरी होती है, अस्पताल हैं इसमें, और ये जो अपराधी है, 3 अपराधी, इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं, इसका पूरा डिटेल प्रेस नोट में दिया गया है, और 2 अभियुक्त इसमें से अभी फरार चल रहे हैं, उसको भी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ बता सकते हैं, पूछताछ में कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, कितने वाहन अब तक चुरा चुके हैं? देखिए, इनके द्वारा तो अभी 7 वाहनों का ये किया गया है जो यहाँ से बरामद हुई है। इसमें एक जो व्यक्ति है राम अवतार, ये खरीदने का काम करता है और उसको वापस बेचने का काम करता है, तो ये जो बाइकें चोरी करते हैं राम अवतार, उन बाइकों को 5,000 रुपये में खरीदता है, उसको करीबन 15,000-20,000 में बेच देता है आगे। आगरा ही में ही बेचते हैं, आगरा में भी बेचते हैं, बाहर के डिस्ट्रिक्ट में भी बेचते हैं। बिल्कुल, दस्तावेज तैयार करते होंगे तभी उसको रिसेल करते होंगे। देखिए, 6 अदद मोबाइल बरामद हुए हैं, 5 मोटरसाइकिल है और 2 स्कूटी है।